दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो के नाइन 5G के बारे में। कन्फर्म हो गया है दोस्तों, लॉन्च किया जा रहा है चाइना में, 6 मई को लॉन्च किया जाएगा चाइना में। और उसी लॉन्च इवेंट में ओप्पो के और भी गैजेट्स लॉन्च किए जाएंगे, 6-7 प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। पिछले साल दोस्तों ओप्पो के 7 5G को चाइना में लॉन्च किया गया था, उसी का ये सक्सेसर ओप्पो के 9 5G होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इंडिया लॉन्च के बारे में बात करने वाला है। तो गाइज हो सके तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे आई बटन पे मेरे लेटेस्ट वीडियो दिए गए, चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन से। तो रेंडर्स आपके सामने है, ऑफिशियल रेंडर्स है। डिजाइन और लुक्स वाइज कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, अलग डिजाइन है। खासकर कैमरा हाउसिंग देखते हो तो वो थोड़ा सा चेंज किया गया, देखने में अच्छा लग रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पीछे का बैक पैनल प्लास्टिक का होगा बट ग्लास फिनिश मिलेगा। फ्रंट की तरफ फ्लैट स्क्रीन मिलेगी, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में पंच होल का कटआउट मिलेगा और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन भी मिलेंगे। डिजाइन और लुक्स वाइज काफी अच्छा लग रहा है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें 6.43 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस रेजुलेशन का होगा। सुपर एमोलेड पैनल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, HDR10 का सपोर्ट मिलेगा। डिस्प्ले काफी अच्छा होगा फोन का। कैमरे के बारे में बात करें तो दोस्तों पीछे की तरफ आपको साफ साफ 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, प्राइमरी सेंसर 64MP के दिए गए हैं, सेकेंडरी सेंसर 8MP के मिलेंगे, थर्ड सेंसर 2MP के मिलेंगे। फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और इसके बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें 4300mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। ये काफी सही है, 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें देखने को मिल रहा है। और इसमें LPDDR4X रैम, UFS 2.1 स्टोरेज, 3.5mm जैक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन कलर OS 11 के ऊपर रन करेगा जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड होगा। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग से 6GB 128GB 8GB 128GB 8GB 256GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। लास्ट में दोस्तों इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें 8nm फैब्रिकेशन पे बना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट मिलेगा, जिसमें ग्राफिक्स के लिए एडिनो 620 GPU का इस्तेमाल किया गया। मिड रेंज सेगमेंट का चिपसेट है, परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिलेगा, बैटरी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी मिलेगी। तो गाइस ये थे ओप्पो के 9 5G के स्पेसिफिकेशन, लीक हुए स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अंडर 20,000 सेगमेंट में उधर चाइना में लॉन्च किया जाएगा, इंडिया में जब भी इसे लॉन्च किया जाएगा तो अराउंड 20-25,000 के बीच लॉन्च किया जाएगा। तो प्राइस मुझे ठीक ठाक लग रही है क्योंकि एमोलेड स्क्रीन है, 750G का चिपसेट है, सब कुछ ठीक ठाक लग रही है। अब देखते हैं इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाता है और किस नाम से लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।